नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं। हमें इसमें दिया गया है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इस प्रकार से पी क्यू आर और इस पर ई और एफ दो बिंदु हैं। और इस दी गई जानकारी के आधार पर हमें ज्ञात करना है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार यदि यह इसके समांतर होगा तो PE बटा EQ बराबर होना चाहिए PF बटा FR के। तो हम PE बटा QE और PF बटा FR निकाल कर देखेंगे। देखिए, PE बटा EQ, PE है 4 सेंटीमीटर, QE या EQ है 4.5 सेंटीमीटर। इसे हल करते हैं, दशमलव हटाया तो ऊपर लग जाएगा 0, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर गया, यह है 40, यह है 45, 5 के पहाड़े में 9 पांजे 45, 8 पांजे 40, तो ये हमारे पास आ गया 8/9। इसी प्रकार से हम देखेंगे पी एफ बटा एफ आर। पी एफ है देखिए 8 सेंटीमीटर, एफ आर है 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 8 और 9 आपस में कटते नहीं, तो हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वो होगा 8/9। तो बच्चों, आपने देखा कि पीई बटा क्यू ई क्यू भी है 8/9, पी एफ बटा एफ आर भी है 8/9। इसका मतलब पीई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के का विलोम है कि यदि ये अनुपात बराबर है तो यह रेखा इसके समांतर होगी। ई एफ समांतर है क्यू आर के, और यही हमें इस प्रश्न में बताना था कि क्या यह समांतर है या नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रश्न का यह भाग अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वहाँ पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।